हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। इससे पहले जो मेरा वीडियो आया था एंडोमेट्रोसिस पार्ट वन, उसमें हमने डिस्कस किया था कि एंडोमेट्रोसिस क्या है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एंडोमेट्रोसिस किस वजह से होता है और हम इसको कैसे डायग्नोस करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंडोमेट्रोसिस का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। दोनों के अकॉर्डिंग हम देखेंगे एलोपैथ एज वेल एज आयुर्वेदा में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो पहले हम बात करते हैं एलोपैथ की। तो उसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो दो तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, एक तो मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट आता है एनाल्जेसिक्स, क्योंकि इसमें क्या है, पेशेंट जो है वो उसकी मेन कंप्लेंट पेन रहती है, तो उसको कम करने के लिए एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं। सेकेंड आता है हार्मोनल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से ये एंडोमेट्रोसिस होता है, इसलिए इसके हार्मोनल ट्रीटमेंट में जो दिया जाएगा या तो ओसीपी दिए जाएंगे, कंबाइंड ओरल पिल्स जो आते हैं, या फिर प्रोजेस्टेरोन के टैबलेट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है जीएनआरएच एनालॉग्स भी दिए जाते हैं। ये है मेडिकल मैनेजमेंट। इसके बाद आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में दो तरह से सर्जरी की जा सकती है, एक तो अगर फैमिली कंप्लीट है, पेशेंट की एज ज़्यादा है, तो उसमें डायरेक्ट हिस्टरेक्टमी कर सकते हैं ताकि बाद में रीअकरेंस ना हो। हिस्टरेक्टमी क्या होता है कि यूट्रस को पूरा रिमूव कर देना। सेकेंड आता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या रहता है कि जहाँ भी ये एंडोमेट्रियल टिश्यू इम्प्लांट है वो वहाँ से हटा दिए जाते हैं, सो दैट पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं, बट इसमें रीअकरेंस हो सकता है। तो ये मैनेजमेंट है जो एलोपैथ के अकॉर्डिंग होता है। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको पहले इसमें क्या पैथोजेनेसिस थी, इसमें जो मेन एंडोमेट्रोसिस हो रही है वो वात दोष जो है उसकी दुष्टि की वजह से हो रही है, तो हमको वात का फंक्शन नॉर्मल करना है। वात अपना फंक्शन नॉर्मल करने लगेगा तो ये जो डिजीज है वो अपने आप ट्रीट हो जाएगी। तो हमको जो व्यान आवृत अपान वायु जो पैथोजेनिस थी उसको हमको ट्रीट करना है। उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इसमें शोधन चिकित्सा की जाती है और शमन चिकित्सा की जाती है। शोधन मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन, पूरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में पेशेंट तभी आता है जब उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़े हो, एंडोमेट्रोसिस बहुत सीवियर कंडीशन में हो, तो उस टाइम पर पेशेंट आता है। तो इसमें पहला है कि शोधन चिकित्सा की जाए, उसके बाद शमन चिकित्सा दी जाए तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। शोधन चिकित्सा में क्या होता है, तो फर्स्ट 3 to 5 days दीपन पाचन ड्रग्स दिए जाते हैं, उससे क्या होता है जो डाइजेस्टिव फायर है उसको बढ़ाया जाता है। उसके बाद में स्नेहपान कराया जाता है। स्नेहपान मीन्स इंटरनली मेडिकेटेड ऑयल या फिर घृत पीने को दिया जाता है। वो मेनली क्या एक्शन करता है, हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं, जो दोषास विशेट हो गए हैं, उसको लूज करता है और उसको स्टमक रीजन में लेके आता है, क्योंकि स्टमक रीजन में आने के बाद उन दोषास को बॉडी से निकालना इजी रहता है। या तो हम ऊपर के मार्ग से निकाल सकते हैं जिसको वमन थेरेपी बोलते हैं, उसमें पेशेंट को वॉमिटिंग करके जो टॉक्सिन्स हैं वो निकाले जाते हैं। सेकेंड रहता है इसमें पर्गेशन, जिसको विरेचन कर्म बोलते हैं, उसमें नीचे के रास्ते से दोषास को निकाला जाता है। तो इसमें स्नेहपान किया जाता है, वो 5 to 7 days। उसके बाद में आता है अभ्यंग और स्वेदन किया जाता है। स्वेदन क्यों किया जाता है, ताकि जो चैनल है वो ओपन अप हो सके और जो टॉक्सिन्स है वो इजीली रिमूव हो सके बॉडी से। उसके बाद में योग बस्ती दी जाती है। योग बस्ती में क्या है कि क्योंकि ये वात दोष की वजह से हो रही है और वात का जो परफेक्ट ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेद में बस्ती को बताया गया है, तो इसलिए योग बस्ती दी जाती है। उसके बाद में हम उत्तर बस्ती दे सकते हैं। उत्तर बस्ती में इनकी क्यों देते हैं, ताकि जो बाद में एंडोमेट्रियम है वो प्रॉपरली ग्रो हो सके। जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट रहते हैं, जिनको एंडोमेट्रोसिस की वजह से इनफर्टिलिटी है मेनली, तो उसमें उत्तर बस्ती अच्छा रहता है ताकि पेशेंट आगे कंसीव कर सके। तो ये पूरा हुआ शोधन चिकित्सा, जिससे कि बॉडी में टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शमन चिकित्सा की। शोधन चिकित्सा को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि जो शोधन चिकित्सा जब हम करते हैं तो उसमें हमको सबसे पहले दोष का और इन्वॉल्वमेंट देख लेना है कि वात दोष के साथ साथ में और कौन से दोष का और इन्वॉल्वमेंट है। अगर प्योरली वात दोष का इन्वॉल्वमेंट है तो हम उसमें क्या, स्नेहपान के लिए सुकुमार घृत का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अभ्यंग, स्वेदन में नाड़ी स्वेद दे सकते हैं। उसके बाद जो विरेचन कराना है उसके लिए हम एरंड तेल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम योग बस्ती करा सकते हैं, एंड देन वी कैन गो फॉर उत्तर बस्ती।
वहीं अगर पित्त दोष का विशेषण है उसमें हम अगर हम शोधन कर्म करा रहे हैं तो उसमें स्नेह पान जो कराएं तो महातिक्त घृत उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अभ्यंग स्वेदन करा के जो विरेचन है वो हम त्रिवृत अवलेह से करा सकते हैं, एंड उसके बाद योग बस्ती ना देकर हम मात्रा बस्ती उसमें दे सकते हैं, मात्रा बस्ती के बाद हम उत्तर बस्ती दे सकते हैं। तो इस तरह से मीन्स पेशेंट की कंडीशन देख कर उसमें कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट है वो चेक करने के बाद हम शोधन थेरेपी को थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें क्या ड्रग्स चूज करना है, ऐसे पर्टिकुलर हर चीज़ के लिए ड्रग्स एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, पेशेंट की कंडीशन देख के उसके हिसाब से ड्रग्स चूज किए जाते हैं। तो हमको देखना है कि कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट है, उस हिसाब से हम ड्रग्स ले सकते हैं। तो ये हुआ शोधन चिकित्सा। नेक्स्ट आता है शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा में हमको यही देखना है कि अगर पेशेंट को सिस्ट वगैरह फॉर्मेशन है तो उसके लिए हमको क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना है, कि जो ग्रंथि हर का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, मींस जिससे कि जो सिस्ट है वो डिसॉल्व हो सके, उसके लिए हम क्या क्या ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि कषाय में आता है चिरविलवादी कषाय है, चित्र ग्रंथि आदि कषाय है, काशनाथ गुगलू है, शिव गुलिका है, तो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर पित्त दोष का विशेषण है, पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग ज़्यादा रहती है, तो उसमें हम अशोका रिस्ट यूज़ कर सकते हैं, कुमारी आसव यूज़ कर सकते हैं, अशोक घृत फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है तो अशोक घृत दे सकते हैं। अगर पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा रहता है तो उसके लिए हम सप्त सारम कषाय यूज़ कर सकते हैं, सुकुमार कषाय हम यूज़ कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में लॉट्स ऑफ ड्रग्स हैं, बट हमको पेशेंट की कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से देना है। तो ये सारा शमन औषधि रही। उसके बाद में हमको इसमें शमन चिकित्सा जब हम देंगे तो उसके साथ में रसायन भी ऐड करना है। तो हमने ये मैनेजमेंट देखा, एलोपैथ में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है और आयुर्वेद में हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट हैं उनको क्या चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आता है स्पाइसी एंड ऑयली फूड बिल्कुल नहीं खाना है। सेकेंड आता है फास्ट फूड नहीं खाना है। जिन भी चीज़ों में कैफीन है उसको अवॉइड करना है, जैसे टी हुआ, कॉफ़ी हुआ, क्योंकि इससे पेन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अल्कोहल है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, फास्ट फूड को अवॉइड करना है, रेड मीट को अवॉइड करना है, और ओवर कुक्ड फूड बहुत ज़्यादा जो कुक्ड कर देते हैं उस खाने को नहीं खाना है। उसके बाद आता है डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। तो एक हेल्दी डाइट जो रहती है वही लेना है, उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करना है अपनी डाइट में, फ्रूट्स अपनी डाइट में ऐड करना है, ड्राई फ्रूट्स हैं वो अपनी डाइट में ऐड करना है। अब हम बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ की, जिससे कि पेशेंट का जो पेन का सिम्टम रहता है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। होम रेमेडीज से एंडोमेट्रियोसिस बिल्कुल भी ट्रीट नहीं होगा, पर सिम्टम्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। उसमें सबसे पहले आता है अलसी के बीज, फ्लैक्सीड। रात को 2 चम्मच अलसी के बीज को 1 कप पानी में भिगो के रखें और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो पानी लेना है। अलसी के बीज क्या रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, तो ये बेनिफिशियल रहेंगे। नेक्स्ट आता है टर्मरिक। हल्दी सबके घर में ही रहती है, तो 1 चम्मच हल्दी को 1 कप गर्म पानी में बॉईल करके लें डेली बेसिस पे, तो वो भी अच्छे से एक्ट करेगा, क्योंकि हल्दी क्या होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रहती है, बॉडी के अंदर एंडोमेट्रोसिस की वजह से इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी रहता है, तो ये भी अच्छे से काम करेगी। नेक्स्ट आता है रेगुलर एक्सरसाइज करना है। नेक्स्ट आता है जो पेल्विक रीजन है वहाँ पर पेशेंट क्या मसाज कर सकता है, महानारायण तेल से, तिल तेल से उसको थोड़ा सा गर्म करके नीचे के एरिया पर मसाज कर सकता है, उसके बाद वहाँ पर सिकाई कर सकता है, तो पेशेंट को जो बहुत ज़्यादा पेन रहता है उसमें उसको हेल्प रहेगा। नेक्स्ट आता है सिट्स बाथ। सिट्स बाथ ले सकता है, उसको कैसे लेना है, जो टब रहता है उसके अंदर गर्म पानी करके थोड़ी देर उसमें बैठ जाना है, तो ये भी हेल्प करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने देखा कि एंडोमेट्रोसिस का मैनेजमेंट हम किस तरीके से करते हैं, एलोपैथ में क्या क्या मैनेजमेंट रहता है और आयुर्वेद में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की हेल्थ का।